Hey guys, good afternoon. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के मिस स्पेल की क्लास में। बहुत सारे वर्ड्स, नए वर्ड्स लेकर आऊं, बड़े खतरनाक शब्द हैं। देखने से एक बार में जल्दी से, शायद अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो इन वर्ड्स की स्पेलिंग लिख पाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। आज इन सभी चुनिंदा शब्दों पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सारे सिलेक्टिव वर्ड्स हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इन सभी वर्ड्स की स्पेलिंग को सीखकर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास में हैं, मेरी प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लें। संदीप केसरवानी सर्च बॉक्स में जब आप टाइप करेंगे, सबसे पहले नंबर पे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। क्लिक करें और फॉलो की बटन दबा लें। शेयर भी कर दें प्रोफाइल को कोड के साथ, सो दैट हर कोई फ्री क्लासेस को एटलीस्ट देख सके। दोस्तों, आपको एक वीक तक ये क्लास को छोड़ के बाकी सारी क्लासेस हम कंटिन्यू रखेंगे। बीच में ये हो भी सकती है, जब भी होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये क्लासेस तो आपकी ही है। एडिटोरियल का शो आपको देखना चाहिए दोस्तों सुबह के 7:15 बजे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है इनकॉम्पिटेंस। गाइस, आपका पहला शब्द है इनकॉम्पिटेंस। आपको बताना है इनकॉम्पिटेंस की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। विदाउट पॉल हम लोग करेंगे, कमेंट में आपको ABCD लिखना है, ठीक है ना। विदाउट पॉल हम करेंगे, तो इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस। सही जवाब इनकॉम्पिटेंस का कौन सा है? ABCD, चार ऑप्शंस आपके पास हैं। करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, इनकॉम्पिटेंस, 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 जिसका मतलब होता है अक्षमता। देखिए, सबसे पहले इनकॉम्पिटेंस को कैसे याद करेंगे? याद करना है सबसे पहले इन कॉम पे टे स, इनकॉम्पिटेंस है ना। सबको अलग अलग ब्रेक करो, सब अलग अलग ब्रेक करो। सबसे पहले इन कॉम पे टे एनसीई, इनकॉम्पिटेंस। देखिए, याद हो गया ना, इनकॉम्पिटेंस, 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 याद हुआ, इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस। करेक्ट स्पेलिंग आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं दोस्तों। दिस इज वेयर विदल। वेयर विदल का करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? वेयर विदल की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। कम ऑन एवरीवन, ABCDE, ABCDE, ABCD मतलब ई नहीं है इसमें। कमेंट में ABCD, ABCD, वेरी नाइस। वेयर विदल का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी वाली है, WHERE, वेयर एंड विदल। गाइस, कैसे याद रखेंगे? वेयर सबसे पहले, WHERE, वेयर हो गया, विदल WITH, विद हो गया, और विदल AL हो गया, वेयर विद अल, वेयर विद अल, वेयर विदल। ठीक है, वेयर विद अल, वेयर विदल, वेयर विद अल, वेयर विदल। वेयर विदल मीन्स होता है दोस्तों साधन। ठीक है, कोई भी प्रकार का साधन जो जिससे आप ट्रेवल करते हो उसको हम वेयर विदल कहते हैं। ठीक, ऐसे करके इसको आप याद रखें, वेयर विदल। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, अगले वर्ड पे। तीसरा वर्ड है, दिस इज मैन्यूवर। मैन्यूवर से इसको याद भी कराया था मैंने आपको। मैन्यूवर की करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग सोचिए और जवाब दीजिए। स्पेलिंग, सही स्पेलिंग कौन सी है? मैन्यूवर, ABCD, ABCD, कम ऑन एवरीवन, वेरी नाइस। हर एक पॉल टिक किए जा रहे हैं। सही जवाब मैन्यूवर का ये होगा। देखिए, इसकी मीनिंग होती है पैतरेबाजी। जैसे मैन्यूवर वाला बहुत ही पैतरेबाजी करता है ना, कभी दीपिका पादुकोण को पहना देता है, तो कभी जो है वो राजी मूवी वाली एक्ट्रेस का क्या नाम है, पतली दुबली सी है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसको पहना देता है एक एक लहंगा और कहता है देखो बढ़िया लग रही है लहंगा में, हाँ आलिया भट्ट। तो बड़ी पैतरेबाजी करता है मैन्यूवर वाले, बड़े पैतरेबाजी करते हैं, यानी मैन्यूवर दैट मीन्स पैतरेबाजी। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, याद कैसे करेंगे? याद करना है तो सबसे पहले मैन्यूवर को याद रखना है, तो मनो पहले कर लो। मनो, MANO, मनो, ये नाम होता है ना लड़कियों का, नाम लोग मनो रख देते हैं, तो मनो, मैन्यूवर, मनो, फिर लिखना है आपको मैन्यू EU, फिर उसके बाद लिखना है वर, VRE, मैन्यू EU, वर, मैन्यू वर, मैन्यू वर, मैन्यू EU, वर, याद हो रहा है, लिंक कर पा रहे हैं? मैन्यू EU, वर, मैन्यू वर, मैन्यू वर, मैन्यू वर, पैतरेबाजी, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आई दोस्तों, अगला वर्ड है डिसएग्रीमेंट। बहुत ही आसान है ये वाला, बहुत ही आसान शब्द है, जल्दी से बताइए। कम ऑन एवरीवन, ABCD, 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 मेजॉरिटी बी के साथ जा रही है। सही जवाब यही है, डिस, पहले लिखिए डिस, DIS,
फिर लिखिए एग्री ए जी आर डबल ई, फिर लिखिए मेंट एम ई एन टी, डिसएग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दैट मीन्स असहमति, डिसएग्रीमेंट दैट मीन्स असहमति, इजी था ये वाला। नेक्स्ट पे रिडिकुलसनेस, रिडिकुलसनेस कम ऑन एवरीबॉडी, रिडिकुलसनेस स्पीड से, शब्दों को हमेशा ब्रेक करके ही याद किया जाता है दोस्तों, आज वही सिखा रहा हूं मैं आपको कैसे ब्रेक करके याद करते हैं। रिडिकुलसनेस, तेजी से कमेंट, ए बी सी डी, ए बी सी डी जो भी लगता है, वाओ सही स्पेलिंग ऑप्शन बी रिडिकुलसनेस। सबसे पहले रिडी, रिडी लिखिए आर आई डी आई, रिडी हो गया, फिर कुलस लिखिए सी यू कू लस एल ओ यू एस कुलस, और फिर नेस रिडिकुलसनेस, 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 रिडी आर आई डी आई, कुल सी यू एल प्लस एडजेक्टिव का ओ यू एस, फिर एन ई डबल एस, रिडिकुलसनेस ओ यू एस है, रिडिकुलसनेस, रिडिकुलसनेस, असनेस, रिडिकुलसनेस, रिडिकुलसनेस, ठीक है, रिडिकुलसनेस, 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 रिडिकुलसनेस भी होता है असंगति, असंगति, बेतुका बेढंगा विचित्र अजीबो गरीब को हम कहते हैं दोस्तों रिडिकुलसनेस, ठीक है। गाइज मैं आपको बता चुका हूं कि हम विदाउट पॉल करेंगे, आप लोग इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो मेरे भाई, क्यों एम्फेसाइज कर रहे हो, अपना आंसर तो अपने पास लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर तो तुम्हें पता ही चल रहा है ना, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, जहां पे जरूरत पड़ती है रैंकिंग की मैं वहां पे पॉल कराऊंगा, यहां पे मुझे जरूरत आपकी नहीं लग रही कि आपकी रैंकिंग पर ध्यान दिलाया जाए, है ना, आप केवल क्वेश्चन देखो आंसर कमेंट में करो, दैट्स इट, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट है दोस्तों, सारे सही हैं, नहीं बेटा अलग अलग थे, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन करेक्ट स्पेलिंग, प्रोनंसिएशन, यहां पे क्या है कि मुझे आपकी स्पीड पर फोकस नहीं कराना, आपका पूरा फोकस मुझे चाहिए कि आंसर दो केवल, जितना ध्यान लगाना है पूरा ध्यान लगाओ इसमें पढ़ाई में, स्पीड के चक्कर में गलत हो जाता है, चलो वोकैबुलरी है भाई, एरर नहीं है कि बोल देते हैं, प्रोनंसिएशन सही स्पेलिंग बताइए, प्रोनंसिएशन बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, प्रोनंसिएशन, 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 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन नंबर बी दोस्तों,
प्रोनंसिएशन पी आर ओ प्रो हो गया, फिर नन लिखना है एन यू एन नन हो गया, फिर सी ए लिखना है सी आई ए हो गया, और शन लिखना है टी आई ओ एन हो गया। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण दोस्तों, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए प्रोनंसिएशन, 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 सिएशन, सिएशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन याद रहेगा। नेक्स्ट पे दोस्तों अगला न्यूएंसेस, न्यूसेंस लिखा हुआ, न्यूसेंस, न्यूसेंस की स्पेलिंग बताइए, कम ऑन एवरीवन जल्दी से बताइए न्यूसेंस, कम ऑन एवरीवन, न्यूसेंस, न्यूसेंस, ए बी सी डी, ए बी सी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, न्यूसेंस, न्यू 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 एन यू आई, न्यू 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 न्यू, और फिर सेंस, सेंस, सेन एस ए एन, सेंस एस ए एन सी ई, न्यू सेंस एन यू आई, न्यू एस ए एन सी ई, न्यू सेंस मीन्स होता है दोस्तों बाधा, रुकावट, विपत्ति, एन यू आई, न्यू न्यू एस ए एन सी ई, सेंस, न्यू सेंस, न्यू सेंस यानी कि बाधा, ठीक है ना, राइट एवरीवन। अगले शब्द पे आइए, अगला है दिस इज कंसिडरेशन, 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 बताइए जल्दी जल्दी, कंसिडरेशन, वेरी गुड, आंसर ऑप्शन बी हुआ कंसिडरेशन, कन सी डरा डरे शन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, डरे डरे डरे, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स होता है दोस्तों विचार करना, कंसिडर करना कहते हैं ना, कंसिडर करेंगे हम इसको, मतलब इसको कंसिडर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, विचार करेंगे, तो कंसिडरेशन मीन्स होता है विचार, राइट एवरीवन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स होता है विचार करना। नेक्स्ट भाई दोस्तों स्पॉन्ट क्या है, ये स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का करेक्ट आंसर कौन सा है, स्पॉन्टेनिटी, कम ऑन एवरीवन, स्पॉन्टेनिटी, स्पीड से ए बी सी डी, ए बी सी डी, स्पॉन्टेनिटी, क्विकली क्विकली बच्चा लोग, वेरी नाइस, स्पॉन्टेनिटी का करेक्ट स्पेलिंग आपके सामने ये रहा दोस्तों, सबसे पहले स्पॉन लिखना है, स्पॉन, स्पॉन एस पी ओ एन, स्पॉन हो गया, फिर टेनी टी ए एन ई, और टेनिटी, टेनिटी आई टी वाई, लास्ट में यही आता है, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेने, स्पॉन्टेने, स्पॉन्टेने टी इटी, स्पॉन्टेनिटी, 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 स्पॉन्टेनिटी मीन्स होता है स्वाभाविकता, याद रखिएगा, स्वाभाविकता, स्वाभाविकता, स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है मशीनरी, 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 कम ऑन एवरीवन, मशीनरी, बहुत अच्छे, मशीनरी, आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, मशीनरी, एम ए सी एच, मशी, एम ए सी एच आई, मशी, देखो यहां पे सी एच आई को चा नहीं पढ़ेंगे बल्कि सा पढ़ेंगे, मशीनरी, ठीक है ना, मशी और नेरी, 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 मशीनरी, मशीनरी, एम ए सी एच आई, मशी एन ई आर वाई, मशीनरी मतलब होता है यंत्र दोस्तों, मशीनरी, मशीनरी मीन्स होता है यंत्र, याद रखें। नेक्स्ट पे आई दोस्तों, नेक्स्ट है प्रोनाउंसमेंट, 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 जल्दी वेरी गुड, आंसर ऑप्शन ए है प्रोनाउंसमेंट, पहले लिखो प्रो, फिर लिखो नाउन एन ओ यू एन, फिर प्रोनाउंस, फिर मेंट, प्रोनाउंसमेंट, 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 प्रोनाउंसमेंट मीन्स कथन, याद रखें। अगले पे आइए अपेरेंटली, अपेरेंटली, नेक्स्ट वर्ड अपेरेंटली, कम ऑन एवरीवन, अपेरेंटली, बहुत अच्छे, अपेरेंटली आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले अप्पा लिखो, जैसे आप कहीं पे देखो अप्पा, पप्पा को अप्पा भी बोलते हैं कहीं पर, तो अप्पा ए डबल पी ए, अपे अपे, फिर लिखो रेंट आर ई एन टी, अपे रेंट ली, अपे रेंट ली, रेंट मतलब रेंट,
अपारेंटली अपेरेंटली स्पष्ट रूप से अपारेंटली अपेरेंटली अपेरेंटली याद हो गया अप्पा अप्पा लोग बोलते ना पापा को अप्पा बोलते हैं सुना है आप लोगों ने तो वही चीज है अपेरेंटली 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 याद हो गया। नेक्स्ट पे आइए सर्कमस्टेंसेस सर्कमस्टेंस परिस्थिति क्या स्पेलिंग है साउथ में बोलते हैं हाँ जी कम ऑन एवरीवन सर्कमस्टेंस बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले लिखो सर सर सी आई आर फिर कम सी यू एम सरकमस सरकम सरकमस सरकम्स देखो सरकम्स सरकम्स सर कम्स और फिर टेंस सरकमस्टेंस एस टी टी ए एन सी ई सरकमस्टेंस 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 सर सी आई आर कम्स सी यू एम एस टी ए एन सी ई सरकमस्टेंस सरकमस्टेंस नहीं होता परिस्थिति परिस्थिति। नेक्स्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी कम ऑन एवरीवन रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोनाउंसिएशन बस सही कर लो आंसर मिल जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों गलत है ऑप्शन डी नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन डी है यहां पे देखो सही लिखा उधर गलत लिखा रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले लिखो रेस आर ई एस फिर लिखो पॉन्सी पॉन्सी रेस्पॉन्सी रेस्पॉन्सी और फिर लिखो बी फिर ली फिर टी रेस्पॉन्सिबिलिटी 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 जिम्मेदारी दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। अगले पे आइए ल्यूडिक्रसनेस ल्यूडिक्रसनेस आंसर ल्यूडिक्रसनेस कम ऑन एवरीवन ल्यूडिक्रसनेस तेजी से ल्यूडिक्रसनेस वेरी गुड आंसर है ल्यूडिक्रसनेस ल्यूडी 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 एल यू डी आई ल्यूडी हो गया क्रस सी आर ओ यू एस क्रस ल्यूडी क्रस और फिर नेस एन ई डबल एस परिहास कहलाता है किसी का हंसी मजाक बना देना एल यू डी आई ल्यूडी सी आर क्र ओ यू एस अस एन ई डबल एस ये दो तो रूट ही है भाई ओ यू एस एडजेक्टिव का रूट है और एन ई डबल एस नाउन का रूट है तो अगर ल्यूडिक्रस होता ना तो एडजेक्टिव होता ल्यूडिक्रस के साथ एनी डबल एस जोड़ दिया तो नाउन बन गया। मतलब एक मजेदार बात यह मिली कि ओ यू एस पे खत्म होने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है हम उसके साथ जब एनी डबल एस जोड़ देते हैं तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन बन जाता है। आई बात समझ में यानी ओ यू एस वाले के साथ हम एनी डबल एस जोड़ सकते हैं जैसे करेजियस करेजियस में एनी डबल एस जोड़ो करेजियसनेस करेजियसनेस नाउन करेजियस एडजेक्टिव समझ रहे हो ना। तो गाइस ये एक नया बढ़िया कॉन्सेप्ट मिल गया क्या बात है याद कर लो इसको कि ओ यू एस वाला एडजेक्टिव होता है और इस एडजेक्टिव के साथ एन ई डबल एस जोड़ के हम नाउन बना लेते हैं तो यहां पे हो गया ल्यूडिक्रसनेस 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 ठीक है। नेक्स्ट पे दोस्तों अगला वर्ड डिसबर्समेंट डिसबर्समेंट मेरा न्यू बैच आ रहा है 7 तारीख को 7-8 के बीच में आएगा 7 को या तो 8 को चलिए डिसबर्समेंट बहुत अच्छे करेक्ट आंसर डिसबर्समेंट डिसबर्स डिस पहले डी आई एस लिखे डिस फिर बर्से डिसबर्से डिसबर्से मेंट डिसबर्समेंट 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 मतलब होता है डिसबर्समेंट मीन्स होता है वितरण करना डिस्ट्रीब्यूट करना बांटना उसको डिसबर्समेंट कहते हैं ठीक है ना छित्राना डिसबर्स करना छित्राना बांटना वितरण करना सब चीज कहलाता है। डिसबर्समेंट 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 मीन्स होता है दोस्तों वितरण। नेक्स्ट पे आइए दिस इज प्योराइल प्योराइल की स्पेलिंग कौन सी है प्योराइल जल्दी से बहुत अच्छे करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी की है प्यो पी यू प्यो
पीयूई प्यूराइल आर आई एल ई प्यूराइल मीन्स होता है दोस्तों बचकाना, पीयूई प्यू 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 प्यूराइल आर आई एल ई पीयूई प्यूराइल 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 बचकाना 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 प्योर से याद कराया भी था मैंने इसको निमोनिक्स टेक्निक के तहत कि प्योर बच्चे होते हैं तभी वो प्यूराइल हरकतें करते हैं, प्योर बच्चे होते हैं इसलिए वो प्यूराइल हरकतें करते हैं, बचकानी हरकतें करते हैं। तो गाइस यहां पे हो गया प्यूराइल बचकाना। नेक्स्ट पे आई दोस्तों फेस, क्या है ये चलो बताओ प्रोनाउंसिएशन अभी बोल दूंगा तो फिर कौन वाला वर्ड है समझ में आ जाएगा, अलग है ना थोड़ा सा। जल्दी से बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी आपने कहा, दिस इज फेशियसनेस। देखिए आंसर क्या है, फेस एफ ए सी फिर फेशियस टी आई ओ यू एस और फिर नेस फेशियसनेस। फेशियसनेस मीन्स होता है दोस्तों हंसी, यानी फेस पे होता है फेशियसनेस यानी कि हंसी होती है हंसी होती है हंसी होती है। नेक्स्ट पे ये इनोकुलेशन, आंसर जल्दी से कम ऑन एवरीवन। और तेजी से बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इनोकुलेशन टीकाकरण कहलाता है। पहले देखो इनो इनो लिखो इनो आई एन ओ इनो 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 हो गया और कुलेशन कु ले शन इनोकुलेशन 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 इनो सी यू कू एल एल ए टी आई ओ एन शन इनोकुलेशन इनोकुलेशन भी जो है दोस्तों टीकाकरण टीकाकरण टीकाकरण। 20th पे आइए दोस्तों मिस्ट्री, क्या है ये मिस्टीफाई मिस्टीफाई कम ऑन एवरीवन मिस्टीफाई और तेजी से। Come on everyone, mystify. Very nice. Spelling आपके सामने है दोस्तों, ऑप्शन सी। पहले जैसे मिस्ट्री होता है ना तो मिस्ट्री में एम वाई एस होता है ना, तो वैसे लिख लो मिस और फिर टी और फिर फाई mystify मतलब अस्पष्ट करना है ना, तो mystify means होता है अस्पष्ट करना अस्पष्ट करना। मिस एम वाई एस मिस टी और फाइव मिस्टीफाई मिस्टीफाई अस्पष्ट करना। नेक्स्ट पे आई दोस्तों दिस इज कंडेमनेटरी, स्पेलिंग कंडेमनेटरी क्विकली वेरी नाइस बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आंसर ये है दोस्तों कंडेमनेटरी ऑप्शन डी कंडेम। सबसे पहले कन सी ओ एन डी ई एम एन कंडेम हो गया कंडेम कंडेम हो गया, अब उसके बाद कंडेम में एन साइलेंट होता है कंडेम, अब नेटरी लिखना है इसी से जोड़ोगे एन ए टी आर वाई कंडेम नेटरी समझ गया ना, एन साइलेंट होता है कंडेम में है ना, जिसके भी लास्ट में एम एन होता है उसका एन साइलेंट हो जाता है, तो कंडेम और फिर नेटरी कंडेम नेटरी कंडेम नेटरी सी ओ एन डी ई एम कंडेम नेटरी समर्थक होता है निंदात्मक। कंडेम मीन्स होता है किसी की निंदा करना आलोचना करना बेइज्जती मारना उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट पे आई दोस्तों दिस इज अ डिसअप्रोबेटरी डिसअप्रोबेटरी जल्दी से बताइए कम ऑन एवरीवन। कम ऑन एवरीवन तेजी से आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे भाई। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे
हो गया। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलो तो दिस एप्रोबेटरी, करेक्ट स्पेलिंग दिस एप्रोबेटरी, ऑप्शन नंबर सी। पहले तो डिस लिखो, डी आई एस, डिस। एप्रो, एप्रो ए डबल पी आर ओ, एप्रो जैसे अप्रूव होता है वैसी। दिस एप्रो बैटरी, बी ए टरी टी ओ आर वाई, डिस एप्रोबेटरी। डिस एप्रोबेटरी मीन होता है निंदात्मक, याद रखिए। नेक्स्ट पे आई दोस्तों, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्विकली। आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर। देखो एंटर कैसे लिखेंगे, एंटर आन तर, यही है ना, एंटर एंटर। प्रेन्योर प्रे ने योर, समझ पा रहे हो, समझ लो यहां पे कहते हैं आंतर। अभी एक तरीके से याद कराता हूं, आंतर तो ई एन पहले लिख लो, फिर टी आर ई पी आर ई कर लो, ऐसे सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट याद कर लो। ई एन के बाद टी आर ई पी आर ई, आंतर। जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ई एन टी ई आर है कि ई एन टी आर ई है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो आप आगे वाले के पैटर्न से याद कर लो कि जैसे ये पी आर ई है वैसे ये टी आर ई होगा, है ना, बड़ा कंफ्यूज करता है, आज के बाद नहीं करेगा। आंतर ई एन टी आर ई पी आर ई, आंतर प्रे आंतर प्रे आंतर प्रे, ई एन टी आर ई पी आर ई, टी आर ई पी आर ई मैच कर रहे हैं ना, टी आर ई पी आर ई, आंतर प्रे हो गया। और न्योर ने फिर योर, ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है कि एन ई यू आर है कि एन यू ई आर है ना, कंफ्यूज करता है ना, ये करता था ना ये, क्यों भाई हो, ये भी करता था क्या। अब कैसे याद रखोगे, आंतर प्रे न्योर, आंतर प्रे, देखो पहले यहां तक तो कंफर्म कर लो, यहां तक पहले तो आन ई एन, फिर तर टी आर ई, पर पी आर ई, आंतर प्रे, आंतर प्रे प्रे पी आर ई ही तो प्रे होगा, तो आंतर प्रे ने ने योर, ने योर, योर मतलब तुम्हारा होता है ना लास्ट में यू आर, योर, तो आंतर प्रेन्योर ऐसे याद रखें, ने योर आंतर प्रेन्योर, ने योर आंतर प्रेन्योर, इसका मतलब व्यवसायी, ठीक है, हो गया यार। अर्पिता कह रही है मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं क्या, बेटा आ ही रहे हैं कमेंट्स, कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कमेंट्स नहीं आ रहे, सबके आ रहे हैं भाई, कमेंट्स कमेंट्स सबके आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो रिपोर्ट कर दिया मैंने कि नेट का कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक, बाकी देख लेंगे अभी। बेटा ईशांत ये तो YouTube की क्लास है बेटा, YouTube की तुम प्लस पे खोज रहे हो। चलो तो ये सारी चीजें हो गई, एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आई दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज प्रोपिशियस, प्रोपिशियस प्रोपिशियस, कम ऑन, बहुत अच्छे। आंसर है ऑप्शन ए यार, प्रोपिशियस मेरे प्रोनाउंसिएशन से ही पकड़ लेना चाहिए था, प्रो पी आर ओ, फिर पी और शियस, शियस टी आई ओ यू एस, प्रोपिशियस 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 प्रो पी आर ओ पी शी एस, प्रोपिशियस 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 प्रोपिशियस, प्रोपिशियस मीन्स होता है अनुकूल बनाना कोई चीज को, अनुकूल होना किसी चीज को, उसको हम प्रोपिशियस कहते हैं, प्रोपिशियस मीन्स होता है अनुकूल, याद रखिए, अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट पे दोस्तों, अमेलियोरेशन, अमेलियोरेशन, कम ऑन एवरीवन, अमेलियोरेशन अमेलियोरेशन,
वाह, स्पेलिंग ऑप्शन सी की सही है। अमे पहले लिखो, अमे जैसे कहते ना, अमे यार कहां जा रहे हो तुम, वही वाला अमे। अमे लियो रे शन, अमे लियो रेशन, अमे लियो रेशन, अमे लियो रेशन, अमे लियो रेशन, अमेलियोरेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों सुधार। अमेलियोरेशन मीन होता है सुधार, है ना, सुधार 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 सुधार, ठीक है। पृथ्वी ठाकुर इमेंड ना करते, हम अमेंड करते हैं। अमेंड, अमेंडमेंट होता है, अमेंड मतलब होता है सुधार। अमेलियोरेशन, अमेलियोरेशन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली। जल्दी से, वेरी नाइस, इनडिस्क्रिमिनेटली ऑप्शन डी। पहले इन लिखो, फिर डिस लिखो, फिर क्री मी, फिर ने, फिर टैली। इन डिसक्रिमी ने टैली, इनडिस्क्रिमिनेटली, इन डिसक्रिमी ने टैली, इनडिस्क्रिमिनेटली। याद हो गया, इनडिसक्रिमिनेटली, इनडिसक्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स होता है अविवेक से, विवेक ना लगाया जाए, है ना, अविवेक तरीके से कोई कार्य किया जाए, राइट, इनडिस्क्रिमिनेटली। नेक्स्ट है दोस्तों ओबीडियंस, ओबीडियंस। हरी अप गाइस, वेरी नाइस, आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओबी, ओ बी ई, ओबी, फिर डी एंस, ई एन सी ई, ओबी डी एंस, ओबीडियंस, ओबी डी एंस, ओबी ई, ओबी डी आई डी, ई एन सी ई एंस, ओबीडियंस। ओबीडियंस मीन्स होता है आज्ञाकारिता, ठीक है, दैट इज ओबीडियंस। ओबीडियंस मीन्स हो गया आज्ञाकारिता। नेक्स्ट है दोस्तों, दिस इज पेक्यूलियरिटी, पेक्यूलियरिटी। इसकी क्या मीनिंग है भाइयों, पेक्यूलियरिटी। सबसे पहले देखो पेक्यूलियरिटी कैसे याद रखेंगे, पेक्यू, पे क्यू, पेक्यू, ली ए री टी, पेक्यूलियरिटी, 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 याद हो रहा है ना, पेक्यूलियरिटी, पेक्यूलियरिटी, पेक्यूलियरिटी मीन्स होता है विशेषता। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है कलीग, कलीग, कलीग। शाबाश, ऑप्शन बी। सबसे पहले सी ओ डबल एल ई, कली करिए, फिर कलीग, ए जी यू ई, कलीग, कलीग, सी ओ डबल एल ई, कली, 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 सी ओ डबल एल ई, जैसे कॉलेज होता है ना, जैसे कॉलेज होता है, तो सी ओ डबल एल ई जी ई, कॉलेज होता है ना, तो वैसे ही सी ओ डबल एल ई, कली हो गया, और यहां पे कलीग जोड़ डाला गया ना, तो ए जी यू ई, कलीग, कलीग का मतलब होता है सहयोगी, साथी, साथ में काम करने वाला, उसको कलीग कहते हैं। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है एंथ्यूजियास्टिक, एंथ्यूजियास्टिक, नहीं कुछ और है क्या, गाइज ऑप्शन नंबर ए अनएंथ्यूजियास्टिक, इन एंथ्यूजियास्टिक नहीं होता, अनएंथ्यूजियास्टिक होता है। देखो एंथ्यूजियास्टिक तो होता है उसका उल्टा, जो जो जोशीला ना हो, है ना,
तो enthusiastic पहले याद करा देता हूं, पहले तो अनचवच ले लो, अन ले लो, अन हो गया enthu, 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 zia, stick, enthusiastic, 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 अन लगा दो तो अन enthusiastic, unenthusiastic मतलब उदासीन, जिसमें जोश ही नहीं है, एकदम से ढीला ढाला आदमी है, unenthusiastic है. नेक्स्ट ominous, ominous करेक्ट स्पेलिंग ओमिनस ओ ओमी नस एन ओ यू एस ओमी नस ओमिनस ओमिनस मीन्स होता है अशुभ 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 जो चीज शुभ नहीं होता अशुभ होता है ओमी एन ओ यू एस ओमिनस ओमिनस मीन्स अशुभ नेक्स्ट पे आइए दोस्तों काउंटरफीट कम ऑन एवरीवन करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बी है दोस्तों काउंटरफीट स्पेलिंग होती है सबसे पहले काउंटर सी ओ यू एन काउंट काउंट लिखा हमने काउंट अब काउंटर है तो टी ई आर काउंटर फीट फी इट काउंटर फीट काउंटर फीट काउंटर फीट काउंटर फीट काउंटर फीट काउंटर फीट बड़ा कंफ्यूजन बच्चे को इसमें भी हो जाता है कि एफ ई आई टी है या एफ आई ई टी है तो आपको क्या याद रखना है काउंटर फीट एफ ई काउंटर फी इट काउंटर फीट इट 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 याद रखना काउंटर फीट ठीक है ना इट से आपको याद रहेगा कि जब आई टी हो गया है तो पहला वाला ई ही होगा तो काउंटर फीट मीन होता है नकली जाली डुप्लीकेट नेक्स्ट पे आइए दोस्तों दिस इज रेंडेजुअस कौन सा शाबाश गाइस देखिए मिलन स्थल इसकी मीनिंग होती है रेंडेजुअस याद कैसे करेंगे रेंड आर ई एन डी रेंडेज डेज डेज वस वी ओ यू एस रेंडेजुअस रेंड एज वस रेंडेजुअस रेंडेजुअस मीन्स होता है दोस्तों मिलन स्थल नेक्स्ट पे आई दोस्तों अगला है प्रीकेरस प्रीकेरस प्रीकैरियस कौन सा सही है अब आप जानो आंसर क्विकली बच्चे लोग आंसर क्विकली बिल्कुल सही जवाब आपने दिया प्रिकैरियस होता है प्रिकैरियस 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 प्री कैरी अस प्रिकैरियस मीन्स होता है संदिग्ध प्री कैरी अस प्री कैरी अस प्रिकैरियस प्री कैरी अस प्रिकैरियस प्री कैरी अस संदिग्ध डाउटफुल उसको हम प्रिकैरियस कहते हैं नेक्स्ट पे आइए सर्पेंडिशियस आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों सरेंडिपिशियस देखिए सेरन एस ई आर ई एन सेरन फिर डी फिर पी शियस टी आई ओ यू एस सेरेंडिपिशियस मीन्स होता है आकस्मिक लाभ सडनली मिलने वाली फायदे उसको हम कहते हैं सेरेंडिपिशियस नेक्स्ट पे दोस्तों सर्विलांस स्पेलिंग कौन सी सही है बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सर्विलांस सर एस यू आर सर वी वी ई आई वी डबल एल ए एन सी ई सर्विलांस सर्विलांस
सर्विलांस, कंफ्यूजन बड़ा इसमें हो जाती है कि वी ई आई है या वी आई ई है, तो आप जान लो सर्वे होता है, सर्वे जानते हो ना, तो सर्वे याद रखना कि एस यू आर वी ई तो है सर्वे, और फिर सर्वे हो गया तो भाई आई इसके बाद ही आएगा, तो ये इसलिए एस यू आर वी ई आई डबल एल ए एन सी, एस यू आर वी ई आई डबल एल ए एन सी, सर्वेलांस 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 सर्विलांस मीन्स होता है निगरानी, है ना। कहते हैं आपने ये देखो अगर बोलते हुए कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, यानी तुम सीसीटीवी निगरानी में हो, इधर उधर मत करना, चोरी डकैती मत करना, पकड़े जाओगे, तो सर्विलांस मीन्स हो गया निगरानी। नेक्स्ट पे आई दोस्तों कैटास्ट्रोफिक, क्या बात है। कैटास्ट्रोफिक तो बहुत सिंपल है, आपत्तिजनक जिसको कहते हैं, तो सबसे पहले कैटा सी ए टी ए कैटा, कैटास्ट्रोफिक 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 आपत्ति विपदा समस्या, कैटास्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफिक आपत्तिजनक कोई चीज का होना। नेक्स्ट पे आई इगैलिटेरियन, बहुत ही अच्छा शब्द है इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत अच्छे। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मीन होता है समतावादी, तो सबसे पहले इगे इजीए इगे ली टे री अन इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मीन होता है समतावादी, ठीक है। इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन मीन्स हो गया समतावादी, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों अगला है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम नहीं, ऑडिटोरियम नहीं अथॉरिटोरियम है यार, अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन मैं ऑडिटोरियम पढ़ रहा हूं, अथॉरिटेरियन अथॉरिटी होता है ना, तो अथॉरिटी से बनता है अथॉरिटेरियन। वेरी गुड, सबसे पहले अथॉरिटी ए यू ओ थॉरी टे री एन ए यू ओ थॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन मीन्स होता है सत्तावादी, जिसके हाथ जो अथॉरिटी होता है मालिक होता है उसको अथॉरिटेरियन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल सही कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो कौन सी नहीं कॉन्स्टी है, कॉन्स्टी कॉन्स सी ओ एन एस कॉन्स्टी, फिर ट्यू फिर शरल टी आई ओ एन ए एल कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होता है वैधानिक, वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन से जो संबंधित है वैधानिक, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट पे दोस्तों एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कम ऑन एवरीवन, एकोमोडेशन इसमें दो लीटर डबलिंग में है, ठीक है ना, एको ए डबल सी ओ मो डबल एम ओ एकोमो डेशन डी ए टी आई ओ एन एकोमोडेशन एकोमोडेशन, तो सी और एम डबलिंग है, बस इतना याद रखना एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मीन्स होता है निवास,
एकोमोडेशन, जैसे कंपनी कहीं भेजती है अपने एम्प्लॉय को, एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, मतलब रहने का खर्चा पूरा प्रोवाइड करती है ना, प्लस बेवरेजेस, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सब कुछ। तो एकोमोडेशन मीन्स हो गया दोस्तों निवास। नेक्स्ट पे आई दोस्तों अगला वर्ड, अरे ओ आंसर तो आ ही गया यार। अब बच्चों देखो, अब इसके आगे ना एनिमेशन एनिमेशन नहीं लगा, तो एक काम करो उतने पे हाथ रख लो, सब में उतने पे ही वर्ड आएगा, हाथ ऊपर नीचे नहीं करना, पेपर से हाइड कर लो थोड़ा सा, एक छोटा सा पेपर ले लो ऐसे, बस उतना हाइड कर लो, जब आंसर दिखाएगा तो ऐसे सरकाया करना बस, ठीक है, हल्का सा ऐसे हाइड कर लो, उतना ही क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं है, उतना ही है सब, एक ही पैटर्न पीसी पे रख लो, क्या दिक्कत है, पीसी पे बुक रख लो ऐसे करके, नहीं है शरीफ बच्चे तो है, अभी क्या बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ले रहा हूं मैं, तो उनको तो पता है ना कि उनको गलती नहीं करनी है, ठीक रख लिया होगा, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, ठीक है मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं ये सब तो आंसर ही आ रहा है इसमें, एकोमोडेशन हो चुका है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, अगले पे आ जाओ, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, वेरी गुड, मिसरिप्रेजेंटेशन, आंसर देखो पहले मिस देखो, मिस एम आई एस मिस हो गया, फिर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स होता है दोस्तों बहकाना, मिस रिप्रेजेंटेशन बहकाना, यानी प्रेजेंटेशन गलत तरीके से रखना दूसरों के सामने ताकि वो बहक जाए, दैट थिंग इज नोन एज मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स हो गया बहकाना। अगले पे आइए दोस्तों, दिस इज कॉन्टिनेंस, छिपा के रखना, आंसर देख लिए तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा, वेरी गुड, देखो सी ओ यू एन टी काउंट लिखते ना, तो काउंट लिखो पहले, सी ओ यू एन टी काउंट, ठीक है सी ओ यू एन टी काउंट, अब काउंटे काउंटे ने स काउंटेनेंस 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 मीन्स होता है दोस्तों क्या, चेहरा, काउंटेनेंस मीन्स होता है दोस्तों चेहरा चेहरा चेहरा, याद रखे कॉन्टिनेंस मीन्स हो गया चेहरा, याद हो गया ना सभी को याद, वेरी गुड कॉन्टिनेंस। नेक्स्ट पे दोस्तों वोलप्चुअस, पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, आंसर ऑप्शन बी है दोस्तों, ओ कहां चला गया मैं, यहीं पे हूं, वोलप्चुअस आंसर ऑप्शन ए है, मैं टर्न करके यहां देख रहा हूं, यहां से आगे वोलप्चुअस आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, वो लॉप चू अस, वो लप चू अस, ये टी यू है, वो लप एल यू टी, वो लप चू अस, वोलप्चुअस वोलप्चुअस भी होता है दोस्तों कामुक, voluptuous 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 v o v o l u volume ya vo v o l u p l t u 2 2 o u s voluptuous voluptuous means hota hai us kamuk hota hai iska matlab kamuk nahi jante matlab hota hai ki jo insaan kisi se are vagabond type ka keh lo yaar vagabond matlab hota hai ha playboy type ka keh lo जो हमेशा जो सोचता रहता है कि यार ये बस ये लड़की पट जाए ये लड़की पट जाए ये लड़की पट जाए मेरी दोस्त बन जाए आए मेरे साथ घूमे टहले एंजॉय मौज मस्ती, तो ऐसे विचारधारा वाला इंसान को वो लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है, तो ये चीज हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, हाँ गधाइला लड़का जिसको कहते हैं,
ऐसे गधेलों की शादी भी ना होती, सरकारी नौकरी निकलती ना है फिर, और फिर ये इधर उधर घूमते रहते, ताड़ते रहते हैं, बुढ़ापे तक रहते हैं, समझ में आ जाता है इनको। नेक्स्ट यार, एम्बिगुअसली सबका कमेंट आ रहा है भाई, मुझे सब दिख रहा है, बिल्कुल सही कहा, फिलेंडरर कहा जाता है, फिलेंडरर मीन्स होता है आवारा गर्दी वाला। वेरी नाइस वेरी नाइस। फिलेंड सॉरी एम्बिगुअसली लिख रहा हूं ना, एम्बिगुअसली AMBIGUOUSLY कभी नहीं भूलेगी ऐसे स्पेलिंग, एम्बिगुअसली जिस होता है स्पष्ट रूप से। और इसी में अगर अन जोड़ दो, अनएम्बिगुअसली नहीं होता है स्पष्ट रूप से, एम्बिगुअसली अस्पष्ट, अनएम्बिगुअसली स्पष्ट रूप से। गॉट इट? हां, अनएम्बिगुअसली ठीक, ये हो गया दोस्तों। तो दोनों याद रखिएगा, एम्बिगुअसली भी और अनएम्बिगुअसली भी, दोनों इंपॉर्टेंट है ठीक। नेक्स्ट भाई, अगला है रेस्प्लेंडेंस। कम ऑन एवरीवन, 10 मिनट और चलेगी ये क्लास, 9.5 मिनट, 9.5 मिनट केवल 50 तक पढ़ाएंगे, और 50 तक पढ़ाने के बाद फिर आपके पास 4-5 मिनट आपको बच जाएगा, जिसमें आप अपने 4-5 मिनट में कुछ भी डाउट्स हो छोटे मोटे तो वो पूछ सकेंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी ना, थोड़े से डाउट सेशन का टाइम 5 मिनट। गाइस, करेक्ट स्पेलिंग आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी। रेस्प्लेंडेंस का मतलब चमक होता है, RES, रेस प्लेन, PLEND, रेस्प्लेंड, रेस्प्लेंड और फिर ENCE, रेस्प्लेंडेंस, डे डेंस, डेंस डेंस, DENSE, जैसे डेंस डेंस होता है ना, जैसे DENSE डेंस डेंस भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घना हुआ, बहुत ही ज्यादा घना, जैसे जंगल बड़े घने होते हैं तो डेंस होते हैं, है ना। और केवल DEN लिखे तो डेन मतलब क्या होता है, डेन का मतलब है गुफा, डेंस का मतलब होता है घना, एंड रिप्लेंडेंस का मतलब होता है दोस्तों चमक, ठीक है। सबको अलग अलग याद कर लो, किसकी क्या मीनिंग है पता होना चाहिए, ठीक है। डेंस मींस होता है घना, डेन मींस होता है गुफा, रेस्प्लेंडेंस का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है। वैसे करके इन पॉइंट्स को याद रखें। अरे हां, मतलब DENSE मतलब साउंड में चला गया था, DENSE ठीक है, वही वाला होता है। चलो नेक्स्ट पे आते दोस्तों, अगला शब्द पे आते। अरे हाँ, घना की स्पेलिंग DENSE है, मैं इसके चक्कर में डेंस यहां से उठा के सेम टू सेम लिख दिया, साउंड में मैंने बोला था, ठीक है। अगर करेक्ट स्पेलिंग देखोगे तो DENSE मतलब घना होता है, डेन मतलब गुफा होता है, और DENCE इसका हिस्सा है, ठीक है। ये नेक्स्ट पे आई दोस्तों, अगला है एम्बीवैलेंट। हाइट करके आंसर दो, सब देख लोगे तो मामला ही खराब हो जाएगा पूरा, फिर देखो मत, बिल्कुल भी मत देखो। एम्बीवैलेंट का बताओ, कम ऑन एवरीवन, एम्बीवैलेंट, एम्बी हो गया, वे हो गया, और लेंट, LENT, लेंट, लेंट पे दिया जाता है सवाल ना, लेंट लेंट। तो गाइस, एम्बीवैलेंट मतलब होता है उभय भावी मतलब समझ लो, जो दोनों में कॉमन, एम्बीवैलेंट। और वैसे भी एम्बी का मतलब ये रूट है जिसकी मीनिंग बोथ होती है, एम्बीवैलेंट, जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, बिल्कुल सही कहा। एम्बीडेक्स्ट्रस की स्पेलिंग क्या होगी, एम्बीडेक्स्ट्रस,
AMBI, फिर डेक्स लिखो, DEX, डेक्स, फिर ट्रस लिखो, एमबीडेक्सट्रस, है ना, एमबीडेक्सटेरस, TER, फिर OUS, एमबीडेक्सटेरस, डेक्स, TEROUS, TEROUS, एमबीडेक्सटेरस भी होता है दोस्तों, वन हु यूजेस हिज बोथ हैंड्स टुगेदर, दोनों हाथों से स्किलफुल, दोनों हाथों से निपुण, कुछ भी काम करे दोनों से एक साथ कर सकता है बिना थके हुए, उसको कहते हैं दोस्तों एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है। जैसे ढोलक बजता है तो दोनों हाथ चलते हैं ना, दोनों को क्या बर्तन धुलना, ये सब एम्बिडेक्स्ट्रस का काम है, ठीक, राइट। 48 पे आ जाओ, 48 देखो, 48 कहता है कॉन्चुमेलियस, जल्दी से बताइए कॉन्चुमेलियस, हरि अप, वेरी गुड। सबसे पहले कॉन, CON, फिर ट्यू, TU, फिर मे, ली, OUS, कॉन्ट्यूमेलियस, यहां पे भी एक प्लस लगा देना, कॉन्ट्यूमेलियस, कॉन्टिस एवरीवन, दीपापम घोष, नहीं डेक्सट्रस होता है, ट्रस, जैसे ट्रक होता है ना, ट्रक वैसे ट्रस होता है, ट्रक की तरह ट्रस होता है। बैक साइड क्या कुछ दूसरा लिखा है क्या मैंने, एमबी डेक्सट्रस, नहीं गलत हो गया, ये ई नहीं होना चाहिए, एमबी डेक्सट्रस, टी आर जैसे ट्रक होता है ना वैसे ही होता है ट्रस, एमबी डेक्सट्रस, एमबी डेक्स, टी आर OUS, ambidextrous, हाँ इसको सही कर लेना, ठीक है। ambidextrous means होता है जो दोनों हाथों से निपुण होता है, उसको कहते हैं ambidextrous, ट्रक की तरह ट्रस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, contumelious, तो contu, 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 melius, contumelious, 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 याद हो गया। नेक्स्ट पे आई दोस्तों, this is scurrilous, स्कर्लियस मीन्स होता है अपमानजनक, स्पेलिंग सोचिए जल्दी से, स्कर्लियस, स्कर्लियस, वाओ, स्कर्लियस का होगा एस इस करी, करी जैसे होता है, करी की स्पेलिंग सी यू, देखो करी की स्पेलिंग क्या होता है, सी यू डबल आर वाई, करी ये होता है ना, करी कड़ी वाला, कड़ी, तो इस करी तो सी यू डबल आर आई लिखा जाएगा, इस करी और लस, एल ओ यू एस, इस करी लस, एस सी यू डबल आर आई एल ओ यू एस, इस करी लस, करी कड़ी, कड़ी जैसे करी होता है ना वैसे यहां पर, तो इस करी लस, एस सी यू डबल आर आई एल ओ यू एस, इस करी लस, SCURRILOUS, स्करिलस, थोड़ा सा चार छह बार पढ़ लेना, ऐसे ही रट जाएगा सब कुछ, SCURRILOUS, इंपॉर्टेंट है ना ये वर्ड, बहुत बार पूछा गया यार, बहुत ही बार पूछा गया, स्करिलस मीन्स होता है अपमानजनक। लास्ट वर्ड लीजिए दोस्तों, दिस इज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, कम ऑन एवरीवन, वेरी गुड। देखो पहले डिस लिखो,
फिर टिल लिखो, डिस्टिल और फिर एशन, डिस्टिलेशन, 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 डिस्टिलेशन मीन्स होता है आसवन. आसवन क्या होता है? डिस्टिलेशन मीन्स होता है प्योरिफिकेशन ऑफ एनी लिक्विड, प्योरीफाई करना, किसी भी लिक्विड को प्योरीफाई करने को डिस्टिलेशन कहा जाता है. ये आसवन हम नहीं जानते क्या होता है, हिंदी अपना जान लेना भाई, ठीक है. तो दिस इज डिस्टिलेशन, 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 याद हो गया, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन. हाँ, प्योरिफिकेशन ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड पदार्थ का शुद्धिकरण, शुद्ध करना, उसको कहते हैं डिस्टिलेशन. आप लोगों ने सुना भी तो हो गया डिस्टिल वाटर आता है, डिस्टिल वाटर. वो जो डिस्टिल वाटर आता है ना, इसका मतलब शुद्धि वाटर आ रहा है, शुद्ध वाटर आ रहा है, पियो, इंजॉय करो. जो बिस्लरी उठाते हो ना, वो डिस्टिल वाटर होता है, इसीलिए उसको नाम है डिस्टिल वाटर, मतलब होता है शुद्ध वाटर, ठीक है. गाइज, ये रहे आपके सारे के सारे शब्द. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वन, की आखिर हर एक वर्ड को कैसे याद करना है. 50 वर्ड्स हमने आपको स्पेलिंग याद कराई है. एक बार किसी को भी देखकर आप एक बार खुद का टेस्ट जरूर लेना कि आप इन वर्ड्स की स्पेलिंग सही सही बता पा रहे हो कि नहीं. 50 के 500 का टेस्ट देना, किसी को भी दे देना यार, घर में मम्मी पापा को दे देना अगर वो वर्ड पढ़ सके. अगर इंग्लिश ना पढ़ सके तो हिंदी में लिख देना क्या लिखा हुआ है, और फिर आप हर एक बच्चा इन शब्दों का करेक्ट स्पेलिंग लिखेगा अपने से. मम्मी से कहना कि मामा बोलो ये हिंदी में क्या लिखा है, वो हिंदी बोलेंगी, आप उसका इंग्लिश लिखना सीक्वेंस वाइज और फिर मिलान करना. मेरा मानना है कि कम से कम नहीं तो 45 प्लस तो हर बच्चा आएगा. 100% हो गया, 50 हो गया, तो फिर बल्ले बल्ले है ना. चलो, ये रही पूरी बात दोस्तों. फर्स्ट टाइमर मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लें, संदीप केसरवा सर्च करके, रेगुलर क्लासेस को देखें. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. सी यू टुमारो. वैसे तो अभी यूट्यूब पे है, बाकी मेरी अनअकैडमी पर अगले दिन क्लास होगी. ठीक, मिलता हूं आपसे.